क्या कर्ज में डूब जाएगा उत्तराखंड? अगले साल तक बजट के बराबर हो जाएगा कर्ज? राज्य पर 77,000 करोड़ से अधिक का कर्ज होने का अनुमान? उत्तराखंड सरकार की लगभग सभी योजनाएं राज्य निर्माण के समय से ही केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर करती है और यही वजह है केंद्र से मिलने वाली धनराशि का कर्ज उत्तराखंड पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के जानकार उत्तराखंड पर बढ़ रहे इस कर्ज को राज्य की वित्तीय सेहत के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। गैरसैंण में उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 का बजट पेश किया गया। सदन में पेश हुआ बजट सिर्फ इस रूप में अनूठा है कि पहली बार सरकार लक्ष्य आधारित विकास की ओर बढ़ रही है। पर्यटन राज्य में मानव संसाधन विकास, सेवा क्षेत्र को विस्तार देने वाले निवेश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में सड़क, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी पर सरकार का खास फोकस है, लेकिन इस लक्ष्य को साधने के लिए उसे केंद्र से 20,893 करोड़ रुपए की दरकार है। राजस्व और पूंजीगत खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार करीब 19,460 करोड़ रुपए कर्जा लेगी। इसमें लोक ऋण का हिस्सा 18,000 करोड़ से अधिक का है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार को एक बड़ी पूंजी की जरूरत है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 26,000 करोड़ होंगे खर्च। अकेले वेतन पर ही 18,000 करोड़ और पेंशन पर 7,601 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन भत्तों और पेंशन के लिए धनराशि जुटाने की होती है। अकेले वेतन पर ही 18,000 करोड़ और पेंशन पर 7,601 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी सरकार को 26,000 करोड़ से ज्यादा राशि इन मदों के लिए जुटानी होगी। सरकार की आमदनी में से 11,525 करोड़ रुपए पुराने कर्ज की किस्त लौटाने और 6,166 करोड़ वर्षों से लगातार लिए जा रहे कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड का वित्तीय प्रबंधन इस तरह किया जाए कि भविष्य में उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए पूंजी की जरूरत राज्य अपने ही वित्तीय संसाधनों से पूरी कर सके, इसके लिए केंद्र या फिर खुले बाजार का रुख ना करना पड़े।